जेल बैठे इमरान खान साहब आज पी टी आई ने एहत करना था रात गए मालूम हुआ कि पी टी आई ने एहत म कर दिया जमा गोल्ड स्मिथ जो कभी जमायमा खान हुआ करती थीं उनका एक बड़ा अहम ट्वीट आया है उस ट्वीट में उन्होंने कई संजीदा तहफात का इजहार किया है एहत कर रहे हैं मुबैन तौर पर एक बच्ची के साथ ज्यादती हुई है यहाँ तक तो कॉलेज की एक बच्ची बताया जाता है वो कहानी है क्या लीडरशिप जो होती है उसने डेड एंड में जब कुछ चीज़ फंस जाती है तो उससे निकालना है चेहर नकवी साहब हैं ए एस पी वो कहती है जी कोई सदाकत नहीं बच्ची के वालद और चचा का बयान रिकॉर्ड करवा दिए असल अजमो जामी ऑफिशियल में खाक सर आपको खुश आमदीद कहता है मेहरबानी मोहब्बत इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और टली वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा लेस फनकारी मोर जानकारी याशो जानकारी है भी बड़े अहम मुद्दों के ऊपर जेल बैठे इमरान खान साहब आज पी टी आई ने एहत करना था रात गए मालूम हुआ कि पी टी आई ने एहताज मौखर कर दिया इजाज़त मिल गई है कि डॉक्टर उनसे मिल सकेंगे लेकिन सूरत हाल रही क्या डॉक्टर आसिम हैं जो सी ई ओ हैं शौकत खानम हॉस्पिटल के वो आज दिन भर अडेला जेल के बाहर मौजूद रहे लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी ये कहानी पूरी मैंने बयान करनी है और जो इस खासा ने अपने पिछले तीन चार वीलॉग्स में जो जानकारी दी थी क्या मैं आज भी उस पर कायम हूँ या नहीं और मुलाकात हुई नहीं हुई क्या सिचुएशन बनेगी और सबसे अहम बात यह कि आज जमा गोल्ड स्मिथ जो कभी जमायमा खान हुआ करती थीं उनका एक बड़ा अहम ट्वीट आया है उस ट्वीट में उन्होंने कई संजीदा तहफात का इजहार किया है बड़े गौर से उनकी तहरीर पढ़ने से ताल्लुक रखती है फिर याद रहे कि मुझे कमेंट्स में बार बार पूछा गया कि जनाब जो लाहौर में सूरत हाल है तलब इन एहतजाज कर रहे हैं मुबैना तौर पर एक बच्ची के साथ ज्यादी हुई है यहाँ तो पर पंजाब कॉलेज की बच्ची बताया जाता है वो कहानी है क्या हुकूमत की स्टेटमेंट्स में कहाँ झोल है बच्चे क्या मुतालबा कर रहे हैं पंजाब पुलिस कहाँ खड़ी है सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है क्योंकि तो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो ये याद रखें पाकिस्तान जैसे ममालिक में फिर उस सिचुएशन को एक्सप्लॉयट भी किया जाता है राइटली भी और रॉन्गली भी ये कहानी आप तक पहुँचाऊँगा आइनी तरनीम उसको लेकर के भी आप देख लें हुकूमत सरगरम है लगता है नंबर पूरे हैं सत्रह तारीख को इजलास बुला दिए लेकिन सबसे पहले मैं बात करूँगा इमरान खान साहब की देखिए मैं तो अपनी मालूम के ऊपर क़ायम हूँ आ, इस खाकसार की मालूमत ये थी कुछ दोस्त ममालिक ने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया कि ये जो आपने कदगने लगाई हैं आ, और जिस तरह से मेल मुलाकातों पर पाबंदी आयद की है ये मुनासिब नहीं है गुंजाइश पैदा कीजिए और फिर शंघाई तबन तंजीम का अजलास था उसकी वजह से भी सिक्योरिटी कंसर्नस भी थी और तमाम जो कैदी हैं अडयाला की अठारह तारीख तक उन पर मेल मुलाकात पे पाबंदी थी ब्रस्टर गोहर ने हामर रजा साहब के साथ मल्कि भी लिखा वजारत दाखिला उनकी टेलीफ़ोन पर बात भी हुई तो मैं तो अपनी खबर पर कायम हूँ कि रबता कारी हुई थी उसके नतीजे में एहतजाज मौखर हुआ है यही वजह कल ब्रेस्टर गोहर ने वीडियो स्टेटमेंट भी दी अपना ट्वीट भी किया कि हुकूमत से हमारी बात हुई है उन्होंने पेम्स के डॉक्टर्स को वहाँ भेजने पर इतफाक़ किया है असूली तौर तो पर तो होना चाहिए था कि ये कहते कि नहीं पेम्स के डॉक्टर ज़रूर जाए हम में से कोई शख्स भी जाए या फिर कोई जो शौकत खानम का डॉक्टर है वो साथ जाए ताकि अहिल खाना की तसली हो सब अहम मसला जो मैं दो तीन दिन से अर्ज कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब की फैमिली हो, उनके डॉक्टर्स हों या उनके वकील हों या उनकी पार्टी के लोग हों इन लोगों को बिलखसूस इसलिए नहीं मिलने दिया जा रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये खान से मिलने जाए तो वो आगे से ये कहें कि आप एहतजाज की कॉल वापस ना लें बल्कि एहत करें ये वो डर था सिंपल वन लाइनर है बाकी कहानी है सिंपल वन लाइनर इस डर की वजह से उन्होंने इनकी मुलाकात नहीं होने दी और कहा कि पीम्स के डॉक्टर मिलेंगे लेकिन आज डॉक्टर आसिम जो शौकत खानम के वो पहुंचे इतला मेरे पास ये है कि जारी बात अब डॉक्टर आसिम को कौन नहीं जानता वसूली तौर पर तो उन्हें जाने देना चाहिए था लेकिन मालूम जी जेल इंतजामिया ने उनसे क्वैफ तलब किए हैं तो उनके पास क्वाइफ नहीं थे क्वाइफ़ क्या होता है कार्ड आपकी आइडेंटिफिकेशन मामूल की सरगर्मी होती है जाने देते तो बेहतर होते तो वो फिर वहाँ से वापस चल दिए आखिरी जो मेरे पास मालूम है लेकिन मैं फिर अपनी खबरें पक्का हूँ आप देख लीजिएगा आइंदा चंद घंटों में इमरान खान साहब से डॉक्टर्स की मुलाकात हो जाएगी अलबत् उनकी पार्टी के लोगों की मुलाकात ये सत्रह अठारह से पहले नहीं होने देंगे यही ये, ये चाहते थे कि खान से रबता ही ना हो और पार्टी को घेर घूर के हम एहत म करने पर कायल करें उसमें ये कामयाब हुए फिलहाल मुझे लग रहा है कि तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क्यादतें हैं तो उनके साथ थोड़ा सा हाथ हुआ है इन्हें तसली दी गई इन्हें कहा कि यार बिल्कुल ठीक है डॉक्टर्स हम भेजते हैं लेकिन वैसा नहीं हो पाया जैसा ये सोच रहे थे और ये भी एहत की कॉल दे थोड़े फंसे हुए थे कि क्या किया जाए खान से राबा भी नहीं हो पा रहा यहाँ प्रेशर भी है इंटरनली भी एक्सटर्नली भी पार्टी वर्कर्स का भी तो उसको मैनेज करने के लिए फिर ये ब्लेसिंग इन डिस्काइज थी लेकिन इस सबके साथ दो कहानियाँ मैंने बयान करनी है डॉक्टर मोहित पिज़ा साहब हैं बाहर बैठे कुछ और दोस्त हैं उनका एक ट्वीट था जो मैंने देखा सियासत डॉट पी के पर लगा हुआ है वो तो कहते हैं जी बल्कि बयान है कि पी टी आई के लीडरों को ये समझने की ज़रूरत है कि उनके उस इस वक्त की बुजदली और कम हिम्मती इनकी तमाम तर सियासी हैसियत को ख़त्म कर देगी डॉक्टर मोहित पिर्जा साहब पी के दोस्तों को बहुत पसंद आता है ऐसा बयान ऐसी बयानियाँ बाहर बैठे जो बिलखसूस विलागर्स हैं या कॉमेंटेटर्स हैं कि तो ये बड़ी अच्छी बात करें ऐसा नहीं है ये थोड़ी जजबातीत पर मबनी गुफ्तगु है तो मैंने जवाब दिया था कि बाहर बैठे जो क्यादत है उन्हें चाहिए कि वो मुल्क में वापस आएँ और पी टी आई को आकर लीड करें साबित करें कि जो दस्तियाब की आदतें ना है आए ना वापस लीड करें फिर लोग कहते हैं जी आपको नहीं पता जेल में ले जाया जाता है पकड़ लिया जाता है अहले खाना जद होते हैं तो भाई जो यहाँ बाकी लोग बचे हुए हैं ना सब भुगत चुके हैं भुगत रहे हैं मुसलसल मुसरत चीमा देख लें आप आप डॉक्टर यासमी राशद देख लें आप एजाज चौधरी देख लें आप मिया महमुदुरशीद देख लें आप सनम जावेद से लेके फलक और दीगर तमाम एक से बढ़कर एक मिसाल उनको देख लें ये क्या बात हुई क्या बाहर बैठे और उश्लें दें लीडर्स वर्कर्स को कि वो जाके मारकुटाई बर्दाश्त करें लीडरशिप जो होती है उसने डेड एंड में जब कुछ चीज फंस जाती है तो उसे निकालना है ये जज्बाती बातें हैं और मजीद फ्यूल टू फायर वाली कहानी है मेरा ख्याल है कि इस वक्त क्योंकि शंघाई ताबन तंजीम का अजलास था किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे मुनासिब था कि ये एहतजाज ना होता जैसी भी यकीन दहानी आई है वो अपनी जगह दुरुस्त है मैं तो बार बार ऐसा कि मुलाकात होने देंगे बहुत जल्द होने देंगे लेकिन ये जो अंगारों को दहकाना है ये मुनासिब बात नहीं है आप वर्कर्स को आपने क्या समझा हुआ है आप इन वर्कर्स को आप फ्यूल फॉर फायर के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं कि ये आगे लगें सड़कों पर जाएँ बट्टे खाएं डंडे खाएं सोटे खाएं आंसू गैस खाएं गिरफ्तारियां करवाएं अहले खाना को जदवकोप करवाएं और आप बैठ के बाहर भाषण देते रहे कहाँ गए हम आदर साहब जो कहते हैं लीड करूंगा तो ये जितने भी सियासी लोग हैं मेरी उनसे अपील है कि ये ऐसे जज्बाती लोगों से बचा करें अकल की बात किया करें बिल्कुल आपका हक है कि आप इमरान के बा, आप बारे में बात करें वो भी मैं बताता हूँ कैसे जुमायमा का ट्वीट बड़ा खतरनाक आया हुआ आज तो बहरहाल ये कहानी थी उसकी अब जुमायमा गोल्ड स्मिथ ने जुमा खान हुआ करती थी लेकिन अब वो जुमायमा गोल्ड स्मिथ हैं वो ये कहती हैं कि पिछले चंद हफ्तों से सीरियस कंसर्नस हैं हमें जो मेरे बच्चे हैं जिनका वालद है इमरान ख़ान उनकी ट्रीटमेंट के हवाले से जेल में पाकिस्तानी हुकाम ने तमाम तर जो विज़टर्स हैं उनकी मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी है बशमुल उनके वकला के और इन्होंने तमाम कोर्ट हयरिंग भी पोस्टपोन कर दी है बिल्कुल ठीक बात है इसके अलावा इन्होंने जो कट ऑफ कर दिया है विजिट्स में जो वहाँ विज़िट होते थे और उनके कोर्ट आर्डर की ख़िलाफ़ वर्जी की गई है इनकी जो वीकली कॉल्स होती हैं अपने बच्चों सुलेमान खान और कासिम खान के साथ जो कि बरतानवी शहरी हैं और लंदन में रहते हैं वो भी जमा खान साहबा ने खबर दी है कि 10 सितंबर से वो कॉल्स भी बंद करवा दी गई हैं 10 सितंबर से करवा देंगी अब मैं अक्टूबर की 15 तारीख को आपसे मुखातिब हूँ बड़ी अजीब बात है वी हैव रिसिव रिपोर्ट्स दैट अथॉरिटीज हैव नॉट ऑफ लाइट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी वो कहते हैं कि मुझे रिपोर्ट्स हैं कि उन्होंने बत्ती पानी बिजली वहाँ बंद कर दी है और यही नहीं बल्कि उनका जो कुक था जेल से वो भी वापस ले लिया गया है और ये आइसोलेशन में है तन्हाई में है और अंधेरे में है और किसी दुनिया के बाहर के बंदे से उनका रबता नहीं है इनके वकला को इनके अहले खाना को इनकी सेफ्टी और वेलबींग के बारे में कंसर्नस हैं वो ये कहती हैं कि ये जो एक्शन हैं इमरान खान साहब की फैमिली के और उनके हवाले से उसमें उन्होंने जिक्र किया पी टी आई के मेम्बर्स जो गिरफ्तार हुए हैं उनको खामोश करवाने के लिए उसमें उन्होंने इमरान खान साहब के नैफी हसान न्याजी का जिक्र किया उसमें उन्होंने उनके मिलिट्री ट्रायल का जिक्र किया इस ट्वीट में उनकी बहनों उमा ख़ान और अलीमा खान का जिक्र किया है फिर वो कहती हैं कि जून में इस साल यूएन का जो वर्किंग ग्रुप है आर्बिट्री का आ, उसने इमरान खान की जो गिरफ़्तारी थी उसको अन लॉफुल करार दिया था और इमीडिएट रिलीज़ का मुतालबा किया था वो ये कहती हैं कि यह मामला अर्जेंसी का मामला है और हम इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा करते हैं और उनकी बहनों और उनके भांजे की रिहाई का भी मुतालबा करते हैं और इस बात का मुतालबा करते हैं कि उनके बच्चों से इमरान ख़ान का रब्त होने दिया जाए मैं तो जी इस बात का बिल्कुल तइद करूँगा उनके बच्चों का मुकम्मल हक है उनके अली ख़ाना का मुकम्मल हक़ है कि उन तक उनका रबा हो ये कौन सी इंसानी हक़ हैं ये कौन सी जमहूरीत है क्या आप एक बंदे से इसलिए डर रहे हैं कि वो कॉल ना दे दाज की दस सितम्बर से बच्चों की टेलीफ़ोन पर बात नहीं हो पा रही मुझे याद पड़ता है पहले जब टेलीफ़ोन पर बात करने की दरख्वास्तें गई कोर्ट में तो दलाइल ये दिए गए जेल में जी वो हमारे पास वाईफाई नहीं होता सेलूलर सर्विस नहीं होती पी टी लैंडलाइन इंटरनेशनल कॉल की सहूलत नहीं है वो इनेबल की गई अब ये बंद कर देगी बड़ी जैन कंसर्नस हैं ये बहरहाल मैं तो एंड पे यही कहूँगा एट एंड ऑफ द डे कि हाँ इसमें मुझे याद आ गया चौधरी गुलाम हुसैन साहब हैं उन्होंने एक बड़ी ख़बर दी वो ये कहते हैं जी मुर, मुर्शद पाक के इमरान खान से कल रात पाकिस्तान की इस्टबलिशमेंट की एक अहम शख्सियत और एक गैर मुल्की प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है जेल में वो जल्द रिहा हो जाएंगे गैर मुल्की रवाबित अमरीका हो मिडल ईस्ट के हो सऊदी अरब ये हमेशा पाकिस्तान की सूरत हाल से हो, होते हैं होते रहे हैं अब भी जहरी बात है कुछ इंटेंशन अच्छी होगी मैंने भी जिक्र किया था कुछ गैर मुल्की दोस्तों ने अपनी सिफारतकारी का मुजाहरा किया कि बातचीत से ठंडे पान से मामला डील किया जा सके लेकिन चोइस आप पर ख़बर थोड़ी सी आ, उनकी अपनी ख्वाहिशा तो मबनी है इसमें कोई हकीकत नहीं है कल रात उनकी मुलाकातें हुई हैं अब आ जाए जो लाहौर में जो सूरत हाल बर्पा है जिसके बारे में आप कह रहे थे मैं बात नहीं कर रहा मैं बिल्कुल करूंगा जी क्यों नहीं करनी बात ये दो चीज़ें हैं सबसे पहले अभी तक इस बात की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकी कि वो मुबैना तौर पर मासूम बच्ची जो है जिसके साथ कुछ ज्यादी का वाक्य पेश आया पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज का एक कॉलेज है गुलबर्ग में जहाँ से एहतजा शुरू हुआ है आज भी लाहौर के मुखल इलाकों में एहतजाज हुआ तालब बाहर निकले हुए हैं पुलिस भी हरकत में है अच्छा इसमें पुलिस की स्टेटमेंट्स हुकूमत की स्टेटमेंट्स बच्चों की स्टेटमेंट्स कॉलेज इंतजामी के स्टेटमेंट्स और सोशल मीडिया के स्टेटमेंट्स पांच जगहों पे आप स्टेटमेंट्स देख रहे हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि चाहे वो मोटरवे का एक अफसोसनाक वाक्य हो ऐसा कोई भी वाक्य जो होता है हमारे जज्बात को उभारता है और उभरने चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है लेकिन इसमें हकीकत और फैक्ट तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि रौला इतना पड़ जाता है मैं खुद भी तवील अरसा दुनिया न्यूज़ के साथ वाबस्ता रहा हूँ इनके जो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेज़ हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब है दीगर इदारे हैं वहाँ भी जाने का मौका मिला मैं ऑनेस्टली बताऊँगा मेरा उस इदारे से कोई ताल्लुक़ नहीं है लेकिन इनके यहाँ जो आ, सिस्टम है वो काफ़ी बेहतर है इनके यहाँ सर्वेलेंस का सिस्टम हो सिक्योरिटी का सिस्टम हो फैसिलिटीज़ का सिस्टम हो काफ़ी अप टू आपको मार्क है हद तक कि दुनिया टी वी रहते हुए हमने कभी कोई ऐसा वाक़ा नहीं देखा था मैनेजमेंट भी खासी कंपिटेंट मैंने महसूस किया है लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं कोई इन्हें बेल आउट कर रहा हूँ मेरा मुतालबा सिर्फ़ ये इस वाक़े के ऊपर ये गैर जानबदार तहकीकती कमीशन बनना चाहिए ताकि मालूम हो कि वाक़ था क्या बच्ची थी कौन उसके साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ क्या सी सी टी वी फुटेज ज़ाये की गई हैं या नहीं की गई अहल ख़ाना को जदोकोप किया गया या नहीं किया गया दबाव डाला जा रहा है या नहीं डाला जा रहा मीडिया मैनेज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा ये सवाल आपके जन होंगे ना इनका जवाब एक आज़ादाना तहकीकती कमीशन दे सकता है जो कि आई थिंक कोई सिटिंग जज जो है उसको होना चाहिए इसमें और जो कमेटी हुकूमत ने बनाई इससे पहले कि मैं तजादाद की निशानदी करूँ सबसे बड़ा तो मुझे अजीब ये लगी सात रुकनी कमेटी आपने बना दी कॉलेज की आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी क्योंकि तो गड़बड़ हुई है तो आपने की है ना सात रुकनी कमेटी में चीफ सेक्रेटरी पंजाब है एडवोकेट जनरल पंजाब है सेकट्री हायर हाई एजुकेशन कमीशन है सेकट्री स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट है सेकटरी स्पेशलाइज हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है और एनी अदर मेम्बर तो ये इन सब का ताल्लुक तो हुकूमत से है ये क्या खाक इन्वेस्टिगेट करेंगे आप इसमें कुछ सिविल सोसाइटी के नुमाइंदा डालें कोई वकील डालें कोई जज डालें आईएसआई, एमआई, आईबी आए, का नुमाइंदा डालें ताकि वो तहकीकात करें आजादाना और इस वक्त जिस तरह से यह फ्लेयरअप हो रही है सिचुएशन जहां हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए वहां हमें मुतालबा भी ठीक करना चाहिए तो यह कमेटी बनाना इट इसका मतलब था कि इसमें कोई मसला है अब जो शहर नकवी साहब है ए वो कहती हैं जी कोई सदाकत नहीं है बच्ची के वालद और चचा का बयान भी उन्होंने रिकॉर्ड करवा दिए अब आज भी जीसी में लाहौर के बड़े कॉलेज में एहतजाज भी हुआ है हिना परवेज साहबा कहती हैं जाली खबर है कोई मुद्दई नहीं आया बच्ची के वाल और चचा गवाही दे रहे हैं गार्ड था उसको से गिरफ्तार किया गया दूसरी खबर जो प्रो नून लीग सहाफ़ी हैं वो कहते हैं जी बच्ची थी कोई सीढ़ियों से गिर जख्मी हुई थी वालदे कह रहे हैं ऐसा वाक्य नहीं हुआ ये उजमा बुखारी साहबा बयान दे रही हैं क्या स्कूल के सारे बच्चे झूठ बो रहे हैं क्या वजह बनी कि स्कूल के बच्चों को इस हद हाँ तक जाना पड़ा इससे पहले हम झूठी खबर पे स्कूल के बच्चों को कॉलेज के बच्चों को कब आ, हम एहतजाज करता देखते हैं तो गड़बड़ कुछ है मेरी कुछ रिपोर्टर से बात हुई सेवन को कवर कर रहे हैं उन्होंने बात की कि ये इसका एक ही तरीका है कि आप मसलन मेरी आज उमर दराज गोंदल साहब से बात हुई उन्होंने कहा जी हुकूमती बयान में तजाद है राना सिकंदर साहब जर तालीम कल वहाँ गए वो भी कुछ ऐसा कह रहे थे कुछ हुआ है फिर सीसीटीवी फुटेज के हवाले से सवाल आ रहा है कि वो हैं या नहीं है या गायब हो गई हैं जो इंतजामी है वो कहती है कोई सीसीटीवी फुटेज गायब नहीं हुआ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है और फिर स्पीकर ये कहते हैं पंजाब असम्बली के कि इस मामले पर दो पोजिशन हैं एक है डी ऑपरेशन की और एक है एजुकेशन मिनिस्टर की तो पुलिस इसमें जो खुद से कूदी है और जो सफाइयाँ दे रही है ये सबसे बड़ा सवाल है निशान है जो एजुकेशन मिनिस्टर मौके पर पहुँच के हीट फील कर रहे हैं जो बयान दे रहे हैं वो तकवीत देते हैं कि प्रॉप इनका इसका प्रॉपर होना चाहिए और फिर कहते हैं जी कोई मुद्दा ही नहीं है उस पर सोशल मीडिया सारे सार्फिन कहते हैं कि भाई हो सकता है दबाव डाला गया बंदा ही सामने ना आए लेकिन ये जो भी है फिर एवर केयर हॉस्पिटल की बात हुई वहाँ बच्ची है फिर पता चला इतफाक हॉस्पिटल में बच्ची है फिर पता चला बच्ची है ही नहीं है लेकिन ये सारी कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट्स हैं बहुत कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट्स हैं मैं एक जिम्मेदार सहाफ़ी के तौर पर ये कहूँगा कि जनाब अली ये मुद्दा एक संजीदगी से प्रोप करने का मुतकाजी है एक आज़ादाना कमीशन बनाया जाए जिसको मीडिया कवर कर सके और आज़ादाना तरीके से इसको प्रोव किया जाए इसकी मैनेजमेंट की कॉलेज की इसको परेशानी होना चाहिए वाक्य नहीं हुआ और पी को या इस्पोर्टर्स को भी परेशानी होना चाहिए अगर ऐसा आज़ादाना कमीशन बनता है अल्लाह करे कि ये एक टेस्ट केस बने अल्लाह करे कि इसको प्रोव किया जा सके मालूम किया जा सके कि हुआ क्या है और आखिर में वो आइनी तरमीम वाली कहानी अब मुझे लग रहा है कि मौलाना हल्के 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 प्यार मोहब्बत की कहानियाँ सजा चुके हैं और लग रहा है कि सत्रह अठारह को हुकूमत ने गेम डाल देनी है अल्लाह हाफिज़